फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोएट HLV डेरोजियो की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द ऑर्फन गर्ल। ये पोएम 24 लाइंस की है और दो स्टैंजाज में बांटी गई है। इस पोएम में हमें एक छोटी बच्ची के बारे में बताया जाता है जिसके माँ और जिसके पिता दोनों की डेथ हो चुकी है। ये बच्ची अब एक ऑर्फन है, अनाथ है और इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। तो पोएट यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या इस क्रूअल वर्ल्ड में वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। तो पोएम की थीम भी कुछ ऐसी ही है, क्रूएल्टी ऑफ द वर्ल्ड एंड फेट। अब अगर बात करें पोएट की तो HLV डेरोजियो का पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। वो एक इंडियन पोएट थे पोर्चुगीज ओरिजिन के। उनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1809 में और उनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1831 में। बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण। साथ ही इतने कम उम्र में ही वो हिंदू कॉलेज कोलकाता के असिस्टेंट हेडमास्टर भी बन चुके थे। उनकी फेमस वर्क्स में टू इंडिया, माई नेटिव लैंड, टू द मून, द हार्प ऑफ इंडिया, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। पोएम की शुरुआत में एक 3 लाइन का छोटा सा एपिग्राफ है। एपिग्राफ जो पोएम की शुरुआत में कुछ लाइंस लिखी रहती हैं जो पोएम के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर ये 3 लाइन का एपिग्राफ है, शी वॉज़ येट यंग एंड फेयर, यानी वो अभी भी काफ़ी छोटी थी, काफ़ी भोली भाली सी थी। बट ओ शी सीम्ड मार्क्ड फॉर मच वो इन दिस अनपिटिंग वर्ल्ड, लेकिन वो बेचारी छोटी सी बच्ची जो थी, ऐसा लगता था मानो उसे चुना गया है कि इस निर्दयी दुनिया में, अनपिटिंग यानी कठोर दुनिया में, उसे ही सारे वो सारी परेशानियाँ दी जाएं। पुअर फ्रेंडलेस वांडरर, बेचारी जो थी वो गरीब थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे और वो यूं ही यहाँ वहाँ भटक रही थी। ये हमारी जो टाइटल है द ऑर्फन गर्ल, उसमें जो लड़की है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत कम उम्र की थी, बड़ी नाजुक सी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके पास परेशानियाँ थी। और इन सब कुछ के बारे में आगे की लाइन्स में बताया जाएगा। हर हेयर वॉज ब्लैक एज अ रेवन्स विंग्स, यानी उसके जो बाल थे वो एक रेवन एक तरह की बर्ड होती है, तो उस रेवन के विंग्स की तरह थे, बिल्कुल काले। हर चीक द टुलिप्स ह्यू डिड वियर, और उनकी जो उसकी जो चीक थे, जो उसके गाल थे, उसमें टुलिप के फूल में जो चमक होती है, जो रंग होते हैं, बस वैसे ही रंग उसके गाल में भरे हुए थे, इतने गुलाबी थे उसके गाल। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड सिंग, और उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, कोमल सी थी, जैसे रात के समय में हल्की हल्की ठंडी हवा बहती है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती थी उसकी आवाज़ सुनकर। हर ब्रो वॉज एज अ मून बीम फेयर, और उसकी जो ब्रो थी, यानी उसका ये जो फोरहेड था, वो किसी चांद की रोशनी की तरह चमकता था, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी वो छोटी बच्ची थी। लेकिन आगे की लाइन्स में बताते हैं कि इसके साथ क्या बैड लक है। हर सायर हैड ज्वाइन द वेक ऑफ वॉर, यहाँ सायर का मतलब उसके फादर से है कि जो उसके फादर थे, उसके पिता जो थे, उन्होंने जाकर वॉर यानी जंग में शामिल हो गए, वो उन्होंने जंग में हिस्सा ले लिया। द बैटल शॉक द शाउट एंड स्कार, और जंग में क्या सारी चीज़ें थी, तो लड़ाई में जो अचानक से हमले होते हैं वो हो रहा था, कहीं पर लोग शोर मचा रहे थे, कहीं लोगों को चोट लग रही थी, ये सारी चीज़ें उनके फादर के साथ भी हुई। He knew and gained a glorious grave. वो जानते थे कि इस जंग में वो मर जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, उन्हें उनकी डेथ हो गई, बहुत ही शान के साथ उन्हें दफनाया गया, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके थे। Such is the guerdon of the brave. यहाँ guerdon का मतलब होता है reward, इनाम, कि जो ब्रेव लोग होते हैं उन्हें यही इनाम मिलता है। यहाँ पर एक तरह से पोएम में एक सार्कास्टिक वे है, पोएट बता रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं या जो दूसरों की केयर करते हैं, जंग में हिस्सा लिया उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए, तो उनके साथ इसी तरह की गलत और बुरी चीज़ें होती हैं। आगे कहते हैं, हर एंग्विश मदर सफरिंग हार्ट कुड नॉट इंड्योर अ विडोज पार्ट, और उसकी जो माँ थी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, एंग्विश यानी परेशान थी, उसका जो दिल था वो सह नहीं पाया कि अब वो एक विडो हो चुकी है, यानी अपने हस्बैंड की डेथ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। शी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस, तो वो अपनी जो उसकी सोल थी, जो उसकी आत्मा में जितनी भी परेशानियाँ थी, जितना भी दुख दर्द था, वो उस दुख दर्द के नीचे एक तरह से डूब गई और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी भी डेथ हो गई।
उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई, और अब ये जो छोटी बच्ची है, उसकी जो बेटी है, वो पेरेंटलेस हो चुकी है, यानी अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो एक ऑर्फन है, एक अनाथ है। शी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ, इस अर्थ पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का कोल्ड बिहेवियर है, लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते, ऐसी जगह पर उसका कोई दोस्त नहीं था। टू गिव हर अ शेल्टर, अ होम एंड अ हर्थ, जो उसे क्या करे, अपने घर में रखे, उसे सहारा दे और उसे गर्माहट दे, वार्मथ दे। तो उसका केयर करने वाला, उसका कोई अपना, उसका कोई दोस्त इस दुनिया में नहीं था। थ्रू लाइफ ड्रियरी डेजर्ट अलोन शी मस्ट वेंड, तो ज़िंदगी की ये जो सूखी रेगिस्तान है, ये जो हमारी लाइफ एक सूखे रेगिस्तान की तरह है, इसमें उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉर अलास द रिचेड हैव नेवर ए फ्रेंड, क्यों? क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि जितने भी लोग मुश्किल में रहते हैं, जो भी परेशानी में रहते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता। यानी पोएट कह रहे हैं कि जो दुखी लोग होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं बनता। जो लोग खुश रहते हैं, हमेशा अमीर रहते हैं, उन्हीं के बस दोस्त बनते हैं। एंड शुड शी स्ट्रे फ्रॉम वर्चूज वे, द वर्ल्ड विल स्कॉर्न एंड इट्स स्कॉर्न कैन स्ले। और साथ ही पोएट कहते हैं कि जो वर्चू, यानी जो नियम अनुसार अच्छे रास्ते, सही रास्ते पर अब उस लड़की को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो अकेली है, और जो लोग इस तरीके से सही रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ये दुनिया आराम से जीने नहीं देती, उन्हें परेशान करती है, उन्हें अब्यूज़ करती है। तो अब अगर उसे इस दुनिया में अकेले जीना है, तो उसे ये अच्छाई का रास्ता छोड़ना होगा, उसे भी गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे। अ शेम हैथ इनफ टू रिंग द ब्रेस्ट विद अ वेट ऑफ सॉरो एंड गिल्ट ऑप्रेस्ड, यानी शर्म में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो किसी का भी सीना झुका देती है। इतनी ताकत किसी की दुख में नहीं होती, इतनी ताकत किसी की गिल्ट में नहीं होती, जितनी कि शर्म में होती है। शर्म के कारण लोगों का जो सीना है वो झुक जाता है। बट ओ दिस कोल्डली क्रूअल टू वुंड द बोजम हुज ब्लस्ट मस्ट गश अनबुंड, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, यानी किसी ऐसे अच्छे छोटे बच्चे को इस तरीके से परेशान करना, इस तरह की चीज़ें करके उसे चोट पहुंचाना, उसे परेशान करना, ये तो बिल्कुल गलत है। एक ऐसे बच्चे को जिसका तो खून अभी बिल्कुल नहीं बहना चाहिए, बल्कि उसे केयर के साथ रखा जाना चाहिए। नो टीयर इज़ सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज फॉर एरिंग वुमेन्स अनपिटीड वोज, और दुनिया में, इस पूरी दुनिया में कोई भी जो आंसू है वो इतना ज़्यादा चमकीला नहीं होगा जितना कि एक ऐसी औरत का आंसू जो कि शर्म के कारण बहा हो या इस दुनिया के ऑप्रेस होने के कारण बहा हो। यानी यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इस बच्ची को अब इतना ज़्यादा परेशान किया जाएगा कि उसकी आंसू की जो चमक है वो सभी लोग देख पाएंगे। एंड ब्लेस्ड बी फॉर एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर्स एन ऑर्फन फ्रॉम सॉरो एंड शेम, और हमेशा के लिए उसका नाम ऑनर किया जाएगा, उसके नाम को ब्लेस किया जाएगा, जो इस छोटी बच्ची को शर्म से और दुख से बचाएगा और उसे घर में जगह देगा, उसकी ख्याल रखेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोयम ख़त्म होती है। पोयम में पोएट सिर्फ उस बच्ची के बारे में ही हमें नहीं बता रहे कि ऑर्फन होने के बाद उसका क्या होगा, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं या जो पुअर पीपल होते हैं, उनके साथ इस दुनिया में कैसा बर्ताव किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी HLV डिरोजियो की पोयम द ऑर्फन गर्ल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।